और कुछ साथी अभी कह रहे हैं कि भाई आप ये बता दीजिए कल के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बुआ जी ने स्टेटमेंट दिया उस पर। तो देखिए परिवार में सब चीज़ें चलती रहती, मेरा काम उनके स्टेटमेंट पर ध्यान देने का नहीं है। अगर मैं इस तरह स्टेटमेंट पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मीडिया भी चाहते हैं मैं उनके खिलाफ़ कुछ बोलूं, तो मेरा काम ये नहीं है ना। मैं अपने काम से क्यों खिलाफत कर दूं, मैं क्यों गलत नीति पर चला जाऊं? क्या उनके खिलाफ़ बोल के या उनके पक्ष में बोल के क्या भला हो जाएगा? मैं बस स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम ये चुनाव 2019 का जो देख रहे हैं वो चुनाव है संविधान बनाम नागपुर। नागपुर से चलेगा, नागपुर की विचारधारा से देश चलेगा या संविधान चलेगा? और अगर नागपुर की विचारधारा के हम लोग विरोधी हैं तो संविधान को सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि संविधान तब तक सुरक्षित है, नहीं मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक संविधान सुरक्षित है। तो जितने हमारे साथी हैं वो संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बाबा साहब को जिंदा रखना चाहते हैं, तो वो किसी भी सूरत में भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे। और भाजपा को हराने के लिए बार बार जो सवाल हो रहे हैं मुझसे कि भैया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या, भाई देखो आपने देखा ना 2000 चुनाव, मैं तो चुनावी व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, चुनावी लोग तो चले जाएंगे, जैसे चुनाव खत्म होगा 2019 का चले जाएंगे, तो क्या भीम आर्मी चली जाएगी? भीम आर्मी तो फिर भी काम करेगी, और भीम आर्मी का काम है अत्याचारों से मुक्ति, भीम आर्मी का काम है जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति, भीम आर्मी का काम है कि आपको स्वाभिमान के प्रति जगाना, भीम आर्मी काम है जो आपको अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रति आपको जगाना। तो ऐसी उसमें ऐसी सब चीज़ों में इसकी जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये झूठे जय भीम करना बंद कर दीजिए, जो लोग जय भीम करते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। आप ये देखिए लड़ाइयाँ होती है देश में छोटे छोटे मुद्दों पर, आप देखो आपके जिलों में भी हुई होगी कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर झगड़ा हो गया। बाबा साहब ने कब कहा मेरी मूर्ति लगाओ? मैंने तो कोई पढ़ा नहीं, बाबा साहब तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और बाबा साहब के पैर छूने से कुछ नहीं मिलेगा। आप बाबा साहब का भी चित्र पकड़ना बंद कर दीजिए, उनका चरित्र पकड़िए। उन्होंने संघर्ष किया और कितनी परेशानी आई सब चीज़ों को भूल के उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? वो अंतिम समय में रोते हुए चले गए, वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे नौजवान लोगों ने धोखा दिया। लेकिन अब क्या, उसके बाद साहब काशीराम भी ये कहते चले गए, और बहुजन मिनट के और लोग, क्योंकि लड़ाई जो है पूरे बहुजनों की है, भीम आर्मी जो है पूरे बहुजनों के लिए, वो सब लोग भी एक बात कह रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो बहुजन समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई में जो लोग पहले चिल्ला के चले गए, जो हमारे स्तंभ हैं, जो हमारे आदर्श हैं, अब आपका भाई आपसे रोज निवेदन कर रहा है, अब मैं जेल से बाहर भी आ गया हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी ईमानदारी से भागीदारी करने की। तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ मेरे भाई मेरी मदद करें, और ये मदद इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग सम्मान चाहते हैं। कासगंज में यूपी के मैं अखबार में पढ़ता था, जब मैं जेल में था तड़पता था वहाँ, कि एक बारात निकालने के लिए परमिशन चाहिए, और एक वर्ग तो बारात निकालने वाली बात पे छोड़ के चला जाता गांव। तो देखिए आप अभी भी किस मानसिकता से देश चल रहा है, अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि दलितों को ओबीसी को माइनॉरिटी को बहुजनों को कोई अधिकार नहीं है, आज भी ये लोग सम्मान से ना जी सके। लेकिन हम लोग तैयार हैं सम्मान से जीने के लिए, हम लोग तैयार हैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए, हम लोग तैयार हैं जो संविधान ने हमें दिया है उसको सब तक पहुँचा।